स्टूडेंट सेंटर की ब्यूटीफिकेशन की गल करिए तो पिछले 7 सालों तो नहीं सी हुई, बड़े नैक दे बहाने मारे जा रहे ने, नैक करके होया बट ये नैक करके नहीं। फंडिंग उदो क्यों नहीं हुई जो पूरा साल तुसी टेन्योर विच रहे, पूरा साल तुसी काउंसिल विच बैठे, ये उदो क्यों नहीं की गई? तो हुण जो तुहाडा टेन्योर मुक चुकिया है तो इलैक्शन दोबारा आ रहे हैं, ये फंडिंग हुण क्यों अनाउंस हुई? वह भी हले सिर्फ अनाउंस ही क्यों हुई है सेंशन? अज तक के इतिहास के पंजाब यूनीवर्सिटी के कदे कोई CM एवं ग्राउंड पर आके चेक करना आया हो कितने थोड़ा हॉस्टल बनना है। बहुत सारिया इतने ऑर्गनाइजेशन जितिया ने उन्हों की पंजाब दे विच सरकार रही है, भावें असी कांग्रेस की गल कर लिए भावें अकाली दल की गल कर लिए, वो ऑडिटोरियम दे विच जरूर आए ने पर कदे ग्राउंड दे विच नहीं। दे विच जे रिकॉर्ड वोटां नाल असी जीते तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग असी कम भी इत्थे करके दिखाए। पॉइंट्स इदां दे ने जिहड़े कि पेंडिंग रह चुके ने, जिवें कि आपां गल करिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट की, तो सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा अज दे टाइम विच चल रहा है GH9 दीआं कुड़ियां दा, उन्होंने हले तक पानी पिछले 6 महीनों तो नसीब नहीं हो रहा, उस विच तुसी की? ते वधिया तरीके ना असी कहने कि असी कुड़ियां लई काम किया यूनिवर्सिटी च, वूमेन सेफ्टी लई असी काम किया, चीफ सिक्योरिटी दे ऑफिस दे बाहर रेगुलर असी धरने लगे। तुसी कहा कि ये सवाल बेबुनियाद है, हुण मैं इसकी बुनियाद बनाना चाहूँगी। तुसी गल कर रहे हो फेस्ट की, आगाज़ होया, चनकार होया, लोहड़ी का फंक्शन, उसकी गल कर दें। लोहड़ी के फंक्शन की तो थीम ही सी कि तियां की लोहड़ी, किसी भी पोस्टर से सानू एक भी ती की फोटो वेखन नहीं मिली गई, आ क्यों है? भी पोस्टर के उत्ते काउंसल प्रेजिडेंट नू छड़ के किसी की फोटो, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बिकॉज वी डू बिलीव इन वैंग ओनली। आप कई बार ऐ कर दें, बहुत सारी ऑर्गनाइजेशन ऐ कर दी भी असी ना कुड़ियों सपरेट कर दें गर्ल्स विंग का नाम लगे, साड़ी जी भी टीम्स भी बन गई वे भी कुड़ियाँ आन गियाँ, चाहे वह चंडीगढ़ की हो चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी की। सारे दे सारे मतलब अराउंड 30 अराउंड से, तो वह भी इतों पढ़े हुए बहुते यहजे MLA साड़ी पार्टी के जेडे पंजाब यूनिवर्सिटी ना किसी तरीके ना जुड़े रहे, वो आए हैं तो वो कोई गलत नहीं है। यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ सरकार वालों दे के यूनिवर्सिटी के मुद्दे वो अपनी कैबिनेट के भी जे उठाते हैं, अपने पंजाब विधानसभा भी उठाते हैं, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी लिए फायदा ही करते हैं। कि CM साहब ने कहा कि उन्होंने आश्वासन साढ़े सब दे नाल है, पर उन्होंने गलबात राही तो सानू यह भी पता लग गया कि उन्होंने इस मुद्दे बारे पता ही नहीं सी। उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन नू यह भी कहता कि तुसी मैनू इस मुद्दे बारे दसो, मैनू इस बारे कोई नॉलेज नहीं है। 90% जिहड़ा साडा मैनीफेस्टो सी 90-95% वो साडा मैनीफेस्टो असी क्लीयर किया, हुण आने वाले थोड़े दिनों के इत्थे नींव पत्थर रखा के कम भी शुरू थोनू दिखाउणी है। मैम कल नू मैनू चाहे पंजाब च, हरियाणे च, किसी भी स्टेट के पूरे इंडिया के जाना पऊगा, तो जे असी स्टूडेंट पोलीटिक्स करते हैं तो स्टूडेंट के हक का कोई भी इशू होगा तो वो असी जिथे भी सानू स्टूडेंट लिए खड़ना पेगा, जिथे मर्जी होए पूरे इंडिया के आर द ओनली वन इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने 90% ऑफ द मैनीफेस्टो पूरा करके दिखाया। सत श्री अकाल जी सारियां नू, मैं गज़ल अज तुहाडे सब दे नाल जुड़ रही हाँ PU पल्स। सो अज आपां पहुंचिया पंजाब यूनिवर्सिटी विच, जिथे कि इत्थे बहुत ज़्यादा गर्म माहौल बन चुका है एक बार फिर 2023 दे इलेक्शन दा। अज साडे नाल जुड़ रहे ने CYSS दे प्रेजिडेंट रह चुके आयुष खटकर जी, ते साडे नाल ने संजीव चौधरी जो कि पार्टी प्रेजिडेंट रह चुके ने। मैं तुहाडे दोवां दा इत्थे बहुत बहुत वेलकम करदी हाँ। सो आयुष, मेरा पहला क्वेश्चन तुहाडे नाल है, जिवें कि आपां सब जानदे हाँ कि CYSS पिछली बार पहली बारी लॉन्च हुई, तो पहली बार ही तुसीं जित हासिल कर ली, तुहाडा की एक्सपीरियंस रहा, किवें दा टेन्योर, तुसीं किवें की एक्सपीरियंस किया? देखो जी, साडा एक्सपीरियंस बहुत वधिया रहा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जिन्हें भी स्टूडेंट्स हैं मैं सब नूं थैंक्स करदा कि असी 20 दिन पहला असी अपना ऑर्गनाइजेशन इत्थे लॉन्च किया, तो एक बहुत वधिया सानूं मैंडेट मिलिया सारे स्टूडेंट वालों, हर एक डिपार्टमेंट के जिन्हें भी साडी टीम ने भी बहुत वधिया काम किया, हर एक बंदे नूं अपनी टीम मैंबरस नूं भी मैं PU पल्स राही ते पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नूं मैं थैंक्स करूँगा। तो असी उस लई जिन्ना सानू जिन्ना वधिया मैंडेट मिलिया कि असी एक रिकॉर्ड असी यूनिवर्सिटी के विच बनाया कि इन्नी छेती पार्टी लै असी लॉन्च की, तो असी पहले नंबर पर आए, जित हासिल की असी इत्थे, तो उहदे मुताबिक असी कम भी बहुत वड्डे वड्डे एक मैं कहूँगा कि टेन्योर दे विच जे रिकॉर्ड वोटां नाल असी जीते तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग असी कम भी इत्थे करके दिखाए जी।
ठीक है, हुण आपां गल करदे आं अज कल दा जिवें मुद्दा चल रहा है होस्टल दी फंडिंग दा। इह होस्टल दी फंडिंग उदों क्यों नहीं हुई जदों पूरा साल तुसीं टेन्योर विच रहे, पूरा साल तुसीं काउंसिल विच बैठे, इह उदों क्यों नहीं कीती गई? ते हुण जदों तुहाडा टेन्योर मुक चुकिया है ते इलैक्शन दोबारा आ रहे ने, इह फंडिंग हुण क्यों अनाउंस हुई? उह वी हले सिर्फ अनाउंस ही क्यों हुई है, सेंशन क्यों नहीं हुई? देखो मैम, इह ना इक गवर्नमेंट प्रोसैस है। हांजी, किसी भी सरकारी चीज़ नूं इक पाइपलाइन दे विच पाउण लई थोड़ा जिहा टाइम लगदा। ते पहलां असीं जिस टाइम काउंसिल तो आउण तो पहलां असीं कमिटमेंट कीती सी दैट असीं काउंसिल दे विच आईए ना आईए, नो मैटर वे असीं जित्तीए ना जित्तीए, बट असीं आपदी जिहड़ी पंजाब सरकार है उहनूं पूरा प्रेशराइज़ करांगे कि साडे कैंपस लई सानूं फंड्स दित्ते जाण। आफ्टर जदों असीं काउंसिल जित्ते हैं उस तो बाद असीं आपदा मैनीफेस्टो है जिहड़ा उहनां नूं पंजाब सरकार नूं वी दित्ता सी, डिमांड वी दित्ती सी, ते उहनां ने उस प्रोसीजर नूं शुरू कीता। डी पी आई एजुकेशन दे कोल वी साडी फाइल रही है, तो यूनिवर्सिटी के आर्कीटेक्चर का जिहड़ा प्रोसैस हुंदा इन्हां दा भी एक आपदा प्रोसैस है, उहनूं भी थोड़ा जिहा टाइम लगदा है, इस करके इस चीज़ नूं थोड़ा टाइम लग्या। साडे वल्लों पंजाब सरकार वल्लों कोई इस चीज़ लई देरी नहीं सीगी, हुण भी साडे सीएम साहब इत्थे आ के गए ने। मैनूं नहीं लगदा अज तक दे इतिहास दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच कदे कोई सीएम एवें ग्राउंड ते आके चैक करन आया होवे वी कित्थे थोड़ा होस्टल बनना है। बहुत सारियां इत्थे ऑर्गनाइजेशनां जित्तियां ने, उन्हां दी पंजाब दे विच सरकार रही है, भावें असीं कांग्रेस की गल कर लईए भावें अकाली दल की गल कर लईए, वो ऑडिटोरीयम दे विच जरूर आए ने पर कदे ग्राउंड दे विच नहीं आए। तो उन्होंने आप कहा है वी असीं इस चीज़ लई तैयार हैं, तो हुण भी टेंडरिंग है जिहड़ी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो भी एक प्रोसैस है। सो पैसे वालों कोई कमी नहीं सी, साडी कमिटमेंट वालों कोई कमी नहीं सी। ठीक है, हुण जिस जिवें कि तुसीं मैनीफेस्टो की गल कर ही लई, हुण आपां मैनीफेस्टो ते आउंदे आ। मैनीफेस्टो विच तुसीं गल कीती सी होस्टल दी फंडिंग दी, कैंटीना लई, ते तुसीं बहुत जिहियां गल्लां कीतियां, बट हले भी कुछ एक पॉइंट्स इदां दे ने जिहड़े कि पेंडिंग रह चुके ने, जिवें कि आपां गल करिए इंफ्रास्ट्रक्चर दी, स्टूडेंट्स दी प्लेसमेंट दी, ते सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा अज दे टाइम विच चल रहा है GH9 दीआं कुड़ियां दा, उहनां नूं हले तिकर पानी पिछले 6 महीनों तो नसीब नहीं हो रहा, उस विच तुसीं की कीता? देखो जी, असी रेगूलर कैंटीनस दी तुसीं गल कीती मैम, असी पहले दिन तो जदों दी साडी काउंसिल बनी सीगी 18 अक्टूबर नूं इलैक्शन असी जित्ते, तो 2 नवंबर तो असी ओथ लिती, तो उस तो बाद जिवें ही काम शुरू किया असी रजिस्ट्रार सर कोल गए, असी वारी वारी मेमोरेंडम भी उन्हां नूं दित्ते, ते उन्हां नूं चाहे वह कैंटीनस की गल होवे मैम, चाहे वह सिक्योरिटी का इशू होवे कि इन्नी चोरियां यूनिवर्सिटी दे विच हुई, असी स्टार्टिंग तो Day 1 तो नवंबर तो असी मेमोरेंडम देने स्टार्ट किए, तो उस लई यूनिवर्सिटी दे अथॉरिटी नूं भी असी कहने कि उन्होंने भी काफ़ी लेट किया, असी बार बार उन्होंने कोल जांदे सी तां उह सानूं कह के भी जल्दी करांगे भी टेंडर असी ओपन किए हुए हैं, विच उदों जदों टेंडर ओपन होए सीगे उन्होंने कोल कोई मतलब आए भी नहीं गए टेंडर दे विच, मतलब किसी ने अप्लाई भी नहीं किया कई बार कैंटीनस लई, तो दोबारा फिर ओपन किया, तो विच उदों VC मैम चेंज होए, दोबारा फाइल फिर VC चेंज होने करके अपनी यूनिवर्सिटी के उन्होंने को दोबारा गई, उस चीज़ करके वो टाइम लग गया। असी अपने वालों हर एक चीज़ रेगूलर कला ये नहीं कि मेमोरेंडम दिते, मेमोरेंडम तो बाद असी फॉलोअप भी लिता, बार बार रजिस्ट्रार सर को भी गए, असी स्टेट ऑफिस भी गए, तो उस तो बाद जे सानू लग्या कि साड़ी आवाज़ वो नहीं सुन रहे हैं कैंटीनस वगैरह कल मेमोरेंडम ना काम नहीं चल रहा, तो असी सारी पूरी CYSS ने वधिया तरीके नाल इत्थे स्टूडेंट्स की आवाज़ बुलंद की, तो VC ऑफिस के बाहर दिन रात मैं खुद भी काउंसिल च रेंदे हुए प्रेजिडेंट रेंदे हुए दिन रात मैं 4 दिन लगातार इत्थे VC ऑफिस के बाहर बैठे, जिन्हें भी पोस्ट होल्डर CYSS दे मेरे नाल सीगे बाकी साथी वह भी साढ़े नाल पूरी दिन रात इत्थे बैठे उदों, तो उस तो बाद अथॉरिटी ने सुने नाल दी नाल ही उदों सानू कह के असी अपने उहदे विच मेमोरेंडम दे नाल अटैच करके असी हर एक सोशल मीडिया दे अपने शेयर भी कीता मैम। अज जिहड़े कहिंदे आ कि कैंटीनस वगैरह है कि वैसे खुल गईआं, बकायदा हजे भी विद डेट मैं तुहानू दिखा भी दूंगा मैम इंटरव्यू तो बाद, ते जिहड़े कहिंदे उहनां नूं भी मैं दिखा दूंगा, ते असी हर एक चीज़ ते यूनिवर्सिटी अथॉरिटी नूं असी झुकाया, ते उहनां ने साडा इह कम कीता, अज कैंटीनस लगभग सारी जगह खुल गईआं, टेंडर हो चुके हैं। ये तो असी गल मन ही ली कि तुसी कैंटीन का काम करवाया, पर जेड़ा कि हले मेन मुद्दा चल रहा GH9 दियां कुड़ियां दा, उन्हां नूं पानी तो नसीब हो ही नहीं रहा पिछले 6 महीनों तो। मैम बेसिकली जेड़ा GH9 दे विच पानी का मुद्दा आ रहा है वो एक थोड़ी जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी है, दूजी पिछों चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रॉब्लम आ रही है। वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशंस विद वार्डन एंड द डीन ऑलसो, सो उन्होंने कहा भी असी इहनूं छेती तों छेती सॉल्व करांगे। ठीक है, हुण आपां गल करदे आं जिवें कि तुसीं गल कीती सी छात्र पंचायत दी, तुसीं छात्र पंचायत कीती,
पर तुसी सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट्स विच वेखे गए, UIELS ते UIET। वो दो डिपार्टमेंट्स तो पीयू दे वोट बैंक मन्ने जांदे ने, कि ये कोई स्ट्रेटेजी है वोटां लई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैम, इदां दा कुछ नहीं है। असी UIELS दे विच गए, UIET दे विच गए, BMS दे विच वी मैम असी हर एक जगह, इदां दी कोई गल नहीं है। हर एक कोले असी जदों जिते उस तो बाद थैंक्स करन भी गए, तो कोई इशू सीगा रेगूलर ऑफिस दे विच अवेलेबल हुंदे सी। हाँ जी विच कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई सी, फादर मेरे बीमार सीगे उदों जनवरी तो बाद, मैं विच थोड़े टाइम लिए नहीं आया, पर हर एक किसी की भी कोई समस्या सीगी 24 घंटे फोन अवेलेबल सीगा मेरा, तो ऑफिस दे विच जदों सवेरे तो लैके 10 बजे तो लैके शाम के 5-6 बजे तक जदों तक डीन मैम तो सर बहिंदे सीगे उदों तक असी उत्थे रहे हैं। हर एक काम असी, चाहे वह बच्चों का होस्टलों की कोई प्रॉब्लम होवे, चाहे किसी का कोई फाइन का, किसी तरीके का कोई भी इशू है यूनिवर्सिटी च, किसी भी स्टूडेंट का होस्टलों का है, क्लासरूम का, डिपार्टमेंट का, असी हर एक दे बच्चे दे नाल जाके चेयरपर्सन नाल गल करके जिथे तक कोई भी मुद्दा सोल्व हो सकता सी वो असी कराया जी। एक गल मैं होर ये ऐड करनी चाहुंदा, इट्स नॉट अबाउट UIET एंड UIELS ओनली, वी वर्क फॉर एवरी डिपार्टमेंट ऑफ दिस कैंपस। विच एग्जाम्स भी आते सी, इस करके भी थोड़ा जहा डिले हुंदा सी, ते इस लास्ट टाइम जिहड़ी काउंसिल का टाइम सीगा थोड़ा घट सीगा, ते असी पूरी कोशिश की है भी जिन्हें भी साडे मैनीफेस्टो के जिन्हें भी इशूज़ ने असी उन्हां नूं पूरा कर सकीए। तो दूजी गल ये सी भी जिन्हें भी स्टूडेंट्स नूं कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये तो चलो एज एन काउंसल मैंबर है ही सीगे, बाकी भी साडी CYSS की टीम 24/7 उन्हां लई अवेलेबल रही है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਕਾਉਂਸਲ ਮੇਨ ਫੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਚਨਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਕਨਵੀਨਰ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਮ, ਚਾਹੇ ਫੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ DJ ਵਗੈਰਾ STUC 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਵੂਮੈਨ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 24/7 ਹੋਸਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 24/7 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੋਇਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਕਦੇ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥੋਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਖਤਾਈ ਹੋਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਸਟ ਦੀ, ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਚਨਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਥੀਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗਈ, ਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਮ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫੈਸਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਰਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗਰਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ CYSS ਗਰਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ
इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स विंग ओनली। आप ना कई बार ऐ कर दें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐ कर दें भी असं ना कुड़ियों सपरेट कर दें गर्ल्स विंग का नाम लैके। साड़ी जिहड़ी भी टीम्स भी बन गई भी कुड़ियाँ आन गई, चाहे वह चंडीगढ़ की हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी की हो, सो यह जी ये कोई गल नहीं। मैं थोनों गल दसना चाहूँगा इस गलते, हूँ जदों पिछे पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान जी इतने आए थे तो उदों भी तुसी देखा होगा कि हर एक जगह पर गर्ल्स होस्टल भी हर एक जगह कितने भी गए हैं तो हर एक जगह पर मतलब जिनी पार्टीसपेन उदों साडे टीम मैंबरस जिनी भी कुड़ियां सीगियां तो हर एक उन्होंने सपरेटली गल भी की गर्ल्स होस्टल दे विच आने वाली दिक्कत या फिर मतलब हजे की दिक्कत चल रही हैं उन्हां बारे भी सीएम साहब ने आप अपने सिक्योरिटी तो कह के हर एक नाल मतलब उत्थे बुलाया। कोई यह नहीं कि साडी टीम मैंबरस जो उत्थे गर्ल्स होस्टल दे विच उत्थे मौजूद सी होर कुड़ियां भी हर एक नूं उन्होंने बुला के ते स्पेसिफिकली हर एक तो पूछा कल्ले कल्ले बच्चे तो कि इत्थे होस्टल दे विच की चीज़ां थोनू होर चाहीदियां, जिहड़ा नवा गर्ल्स होस्टल बनूगा उहदे विच असीं होर किस तरीके नाल वधिया काम कर सकदे। हुण जिवें कि तुसीं सीएम दी गल ते इदां दी गल छेड़ ही लई है, हुण आपां गल करदे आं तुहाडी कैंपेनिंग विच एमएलएज वेखण नूं मिले सी, एमएलएज दा स्टूडेंट पॉलिटिक्स नाल की लैण देण होया, उह इत्थे क्यों विखाई दे सी? देखो जी मैं उहदे लई थोनू कहना चाहूँगा जे एमएलए कोई भी है तो साडा पार्टी की मैं गल करूँगा आइडियोलॉजी की तो हमेशा यूथ नू प्रमोट करते रहे हैं। जे उदों एम एल ए कोई आए थे वो सारे दे सारे मतलब अराउंड 30 अराउंड से तो वह भी इतों पढ़े हुए बहुते यहजे एम एल ए साड़ी पार्टी के भी जेडे पंजाब यूनिवर्सिटी ना किसी तरीके ना जुड़े रहे हैं। तो जे मैं मोह आए हैं तो वह कोई गलत नहीं है, यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ सरकार वालों दे के ही गए हैं। जदों साड़ी काउंसिल खत्म हुई है तो असी इतने चाहे वह होस्टल के फंड की गल हो चाहे किसी भी तरीके की कोई भी हैल्प हो असी एक ब्रिज बन के पंजाब गवर्नमेंट के नाल असी कम किया। सेंटर गवर्नमेंट वालों इतने किन्ना फंड आता है वो थोनू भी पता है, मैं पिछले किन्ने टाइम तो ये चीज़ा रुकिया हुई हैं तो उस चीज़ का यूनिवर्सिटी को बहुत लॉस हो रहा है। तो वो तो जे उन्होंने आना मैं गलत नहीं कहूँगा, जे यूनिवर्सिटी के मुद्दे वो अपनी कैबिनेट के भी जे उठाते हैं अपने पंजाब विधानसभा भी उठाते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी लिए फायदा ही करते हैं। इतने कोई वैसे वो नहीं आते, यूनिवर्सिटी की जिहड़ी दिक्कत है उन्हां बारे जानने लिए आते हैं। हुण तुसीं ये कहना चाहुंदे हो कि एम एल एज इत्थों दीआं दिक्कतां सोल्व करन आउंदे ने, उन्हां बारे पता करन आउंदे ने, पर हुण असीं गल करदे हां तुहाडे ही डिपार्टमेंट यू आई एल एस की, जदों इत्थे फी हाइक का इशू होया उदों तुहाडी पार्टी वल्लों कोई प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया, जबकि ऑलमोस्ट सारी पार्टियां ने ही उत्थे प्रोटेस्ट किया, बट तुहाडी पार्टी का उत्थे कोई प्रोटेस्ट नहीं नज़र आया ते ना ही तुहाडे कोई एम एल एज उत्थे आए कि वह बच्चों की कोई भी स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है उन्होंने सोल्व करन। सब तो इंपोर्टेंट गल सी वाई एस एस एक इकलौती यह जी ऑर्गनाइजेशन सी जिन्होंने शुरुआत है जी यू एल एस तो की सी। एक सब तो इंपोर्टेंट गल होर दसना चाहना मैं, जिस टाइम सी एम साहब साडे कैंपस दे विच आए सी असी कोई ओला नहीं रख्या, सारयां दे सामने वी सी साहब भी सामने खड़े सी, उन्हां तो आप कहाया सीगा शायद जदों सी एम आ जाए तो एम एल एस की लोड़ नहीं हुंदी, तो उन्होंने आप कहा सीगा, उन्होंने पूरा आश्वासन दिता सी वी तुसीं फी हाइक ना करो, जिहड़ी तुहानूं डिमांड चाहीदी है वह सानूं दसो असी जरूर परी करांगे तो तुहानूं कोई फी हाइक करन की लोड़ नहीं है। बिकॉज जिहड़ी साडी आइडियोलॉजी है हैल्थ ते एजुकेशन सैक्टर नूं हमेशा ही असीं उपर रखदे हां। इट्स नॉट अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी ओनली, वी टॉक अबाउट पंजाबी यूनिवर्सिटी, उत्थे दे भी फंड्स दे क्राइसिस तुहानू शायद पता ही है भी काफ़ी टाइम तो चल रहे सीगे, उत्थे भी कर रहे हैं तो इत्थे भी करनगे, तो फ्यूचर दे विच भी असी दावे नाल कहने आ इहो जी फी हाइक की कदे कोई गल नहीं होगी। हुण तुसीं जिवें कि कहा कि सी एम साहब ने कहा कि उन्हां दा आश्वासन साडे सब दे नाल है, पर उन्हां नाल गलबात दे राहीं तां सानूं इह भी पता लग्गिया कि उन्हां नूं इस मुद्दे बारे पता ही नहीं सी, उन्हां ने तां एडमिनिस्ट्रेशन नूं इह भी कहता कि तुसीं मैनूं इस मुद्दे बारे दसो, मैनूं इस बारे कोई नॉलेज नहीं हैगी, उहदे ते तुसीं की कहना चाहो? मैम सी एम साहब जिस टाइम आए है साडा उस टाइम भी मंग पत्र आई सीगा, क्योंकि उस टाइम भी धरने तो बाद भी जिहड़ी फी हाइक जिहड़ी घटनी सी रही, सो असी उन्होंने उदों भी दस्या सी, उदों पहलां आउण तों पहलां भी दस्या सीगा, बट ये सीगा वी सी साहब नाल उन्हां दा कॉन्टैक्ट है जिहड़ा उस टाइम होया तो उदों वी सी साहब ने उन्हां दे सामने खुल के गल की है, उदों साडे डी एस डबल्यू साहब भी उत्थे ही सीगे तो उन्होंने मुद्दा दस्या तो उन्होंने कहा भी जरूर इसनूं असी हल करके दिखावांगे। तो हुण मैं आयुष तुहाडे तों पुछना चाहूँगी कि जिवें कि जदों दे तुसीं प्रधान बने हो तुसीं इत्थे विखना घट हो गए सी, मन्या तुहाडी कुछ परसनल प्रॉब्लम सीगियां, बट तुसीं हरियाणा दे विच ज़्यादा नज़र आए कोई भी रैली कोई भी प्रोटेस्ट करदे होए, तो इत्थे भी तो इशूज चल रहे थे ना, तो तुहाडी प्रेजेंस इत्थे क्यों नहीं सी? नहीं मैम इदां दी कोई गल नहीं है, तुसीं हुण देखो कि साडा जे इत्थे रहे हैं मैम ताई अराउंड 90% जिहड़ा साडा मैनीफेस्टो सी 90-95% वो साडा मैनीफेस्टो असी क्लीयर किया, किन्ने भी जिन्ने भी असी वादे किए सी होस्टल दे विच अज तक काउंसिल दे विच रहिंदे होए मैम
प्रधान कोई भी अज तक यूनिवर्सिटी के रहा हुए इन्ना वड्डा बजट किसी भी गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं लैके आया। मैम जे कोई कहता है कि वोदे ते हजे कल्ला मैम जिमें तुसी भी पहला किया कि हजे कल्ला अनाउंस ही क्यों होया इदा क्यों वोदे ते मैम जे पंजाब कोई भी सीएम अपने इन्ने उन्हें बिजी शेड्यूल दे विचों जे वो इत्थे स्पेशल आए हैं वो देख के गए हैं जगह देख के गए हैं ग्राउंड दे विच गर्ल्स होस्टल भी बॉयज़ होस्टल भी दोनों लोकेशन देख के गए हैं तो वो दे विच गरंटी है वो हुण आने वाले थोड़े दिनों दे विच इत्थे नींव पत्थर रखा के कम भी शुरू थोनू दिखावांगे मैम दोबारा फिर उदों थोनू इंटरव्यू लिए असी कहांगे तो जल्द तो जल्द असी वो कम करके दिखावांगे। तो हरियाणा की गल करिए मैम उत्थे भी जिवें नाल दी नाल इत्थे भी ओहदा सीगा उस तो बाद हजे उस तो बाद काउंसिल दे सारे कम करन तो बाद जिहड़ा कि एक बहुत थोड़ा समा सानू मिलिया सी नवंबर तो बाद मई तक असी इत्थे कम किया उस तो बाद ही उत्थे मैं ज़्यादा गया वो भी जे कोई छात्र कोई भी स्टूडेंट दे हित दा कोई भी मुद्दा सी तां उहदे लई मैं गया तो उहदे च कोई गलत नहीं है मैम कल नू मैनू चाहे पंजाब च हरियाणे च किसी भी स्टेट दे विच पूरे इंडिया दे विच जाना पऊगा तो जे असी स्टूडेंट पोलीटिक्स करते हैं तो स्टूडेंट के हक का कोई भी इशू होगा तो वो असी जिथे भी सानू स्टूडेंट लिए खड़ना पेगा जिथे मर्जी होए पूरे इंडिया दे विच असी जावांगे। CYSS हमेशा स्टूडेंट लिए खड़ी रही है तो दिन रात हमेशा जेड़ा भी पार्ट होवे इंडिया दा असी हमेशा वधिया कम कोई भी कैंपस पोलीटिक्स है कैंपस एक्टिविजम है तो वो असी वधिया कम करते रहेंगे। सो ऐसी मेरे कुछ सवाल हुण मैं तुहाडे तो बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि जिवें कि हुण भी इलेक्शन दोबारा आ रहे हैं कि तुहाडी स्ट्रैटेजी फिर सेम ही रहेगी या बाकी सीटां ते भी असी तुहानूं चुनाव लड़दियां वेखांगे। देखो ये आने वाले टाइम की गल बट मेन साडी स्ट्रैटेजी इक्को ही है स्टूडेंट वेलफेयर इन दी एंड कैंपस का भला होना चाहिए साडी स्टूडेंट कम्यूनिटी का भला होना चाहिए। शायद बहुत सालों तो इत्थे सेम मुद्दों के उत्ते स्टूडेंट कम्यूनिटी नूं फूल बनाया जा रहा सीगा। वी आर द ओनली वन इन द हिस्टरी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्हां ने 90% ऑफ द मैनीफेस्टो पूरा करके दिखाया भावें गल वो असी होस्टलों की करिए भावें गल असी कंटीनज की करिए भावें गल ऑनलाइन अलॉटमेंट की करिए। मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल देना चाहना 2014 तो एक डिपार्टमेंट BMS चल रहा है 9 साल हो गए है 9 सालों तो उस डिपार्टमेंट के एक कंटीन नहीं सी जो कि एक बहुत ही छोटा जा माइनर जा इशू सीगा। बहुत सारिया स्टूडेंट काउंसलों भी उदो रही ने पिछले 9 सालों के सारी वड्डी तो वड्डी राजनीतिक धड़े भी इत्थे आए ने उन्हां दे मेन आका वो भी इत्थे आ के बैठे ने पर कदे भी उन्होंने हल नहीं सी कराया। सो BMS दी भी कंटीन है जिहड़ी 9 सालों बाद खुली है। वी टॉक अबाउट स्टूडेंट सेंटर जे स्टूडेंट सेंटर दी ब्यूटीफिकेशन दी गल करिए तां पिछले 7 सालों तो नहीं सी हुई बड़े नैक दे बहाने मारे जा रहे ने नैक करके होया बट ये नैक करके नहीं होया इहदे पिछे बड़े संघर्ष किए गए सी 4-4 दिन के प्रोटेस्ट सीगे फिर जाके ये चीज़ां मिलियां ने। शायद ये चीज़ा बाकी काउंसल मैं किसी चंगा बुरा नहीं कहना मैं कहना एप्रीशिएट करदा हर किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का अपना तरीका है असी उन्होंने भी एप्रीशिएट करते हैं भी तुसी करो वधिया गल है इन दी एंड जिहड़ी भलाई है स्टूडेंट कम्यूनिटी की होनी चाहिए है असी जिहड़े काम किए हैं असी अपने स्टूडेंट्स के अगे लैके जावांगे। पिछली वारी असी एक मौका मंगिया सी इस वारी असी आपके कामां दे आधार पर जावांगे तो आने वाले टाइम के एक मैनीफेस्टो भी इहो जिहा लैके आवांगे जिहड़ा कदे किसी ने ना देखिया होएगा तो ना वो कदे सोचिया होएगा। सो आही साडा मुद्दा है इन दी एंड मैं इक्को चीज़ कहना चाहवागा कि स्टूडेंट वेलफेयर के उत्ते कोई चीज़ नहीं है सो असी उहदे लई हक सच की लड़ाई लड़ते रहांगे। थैंक यू सो मच आयुष थैंक यू सो मच संजीव। सो मैं गज़ल कैमरामैन अमन आर्या दे नाल एक बार फिर तुहाडे नाल जुड़ांगे वोटां पीऊ दियां दा एक नवा होर चैप्टर लेके। थैंक यू।